हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कलर टेलीविजन डिस्प्ले ट्यूब। तो बेसिकली जो कलर टेलीविजन डिस्प्ले ट्यूब होती है वो हमारी विभिन्न प्रकार की होती है, और ये डिसाइड होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गन जो है वो किस तरीके की बनी हुई है, किस संरचना में बनी हुई है। तो बेसिकली जो कलर टेलीविजन की जो पिक्चर ट्यूब होती है उसकी स्क्रीन होती है वो तीन डिफरेंट जो है आपकी फास्फोरस से जो है कोटेड होती है। बेसिकली ये जो तीन हमारे जो फास्फोरस की कोटिंग होती है वो तीन बेसिक कलर रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, वो तीन मेन कलर से मिलकर के बना होता है, जो कि है रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। ठीक है, तो इसी तरीके से और इनको ये जो फास्फोरस की स्क्रीन पर ये जो कलर्स होते हैं तो इनके लिए तीन अलग वोल्टेज बीम भी हमारे होंगे। जैसे कि ग्रीन के लिए आपका VR ग्रीन वोल्टेज बीम, रेड के लिए अलग वोल्टेज बीम और ब्लू के लिए जो है अलग वोल्टेज बीम होगा। तो ये क्या करेगा, जो वोल्टेज बीम होगा वो हमारे जो कि फास्फोरस की स्क्रीन पे जो है अपने फॉस्फोरस की स्क्रीन पर जहां पर रेड के लिए एक डॉट है वहां पर टकराएगा और उसके हिसाब से जो है ये अपना कलर उत्पन्न करेगा। तो बेसिकली हमारी जो कलर ट्यूब है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली डेल्टा गन, दूसरी है हमारी प्रिसीजन इनलाइन गन, प्रिसीजन इनलाइन ट्यूब, और तीसरा है ट्रिनट्रॉन कलर ट्यूब। तो सबसे पहले एक एक करके हम जो है बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डेल्टा गन ट्यूब। तो सबसे पहले हम इसमें यह है जानेंगे कि इसे डेल्टा गन ट्यूब क्यों कहते हैं। डेल्टा गन ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप दिखा पा रहा हूँ मैं पॉइंटर की सहायता से, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन होती है, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू, हमने कहा था तीन इलेक्ट्रॉन गन होंगी, तो ये हमारी डेल्टा फॉर्म में, जैसे कि ये पॉइंटर को फॉलो करेंगे आप, ये त्रिभुज यानी कि डेल्टा फॉर्म में हमारा जो है ये बनी होती है। साथ ही साथ ये हमारी जो ये जो ग्रीन, ब्लू और ये जो रेड है, ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन गन की जो पोजिशनिंग इस तरीके से होती है कि अगर हम इसको त्रिभुज बनाएं तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जिसका इनसाइड एंगल जो है 60 डिग्री होगा और आउटसाइड एंगल जो है आपका 120 डिग्री के, अगर इसको सर्कल में देखें तो ये हर एक जो है 120 डिग्री पर ये एक दूसरे से होता है। अब देखिए इसकी सबसे पहले हम हर एक पिक्चर ट्यूब है उसको हम कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से समझेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने डेल्टा गन के बारे में, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गन के बारे में देख लिया है। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारा शेडो मास्क। शेडो मास्क क्या होता है, ये हमारा बीम को फोकसित करने के लिए जो है काम आता है कि जो हमारी बीम आएगी वो इसमें फोकसित होकर के और आएगी, और इस शेडो मास्क के करस्पोंडेंसी हमारा यहाँ पर डॉटेड ट्रायड फॉस्फोरस स्क्रीन होती है जिस पर डॉटेड ट्रायड बने होते हैं। ट्रायड किसे बोलते हैं, ट्रायड उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे तीन बिंदुओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको पॉइंटर की सहायता से भी मैं दिखा पा रहा हूँ, बी, जी और आर। तो ये हमारा जो है इसका मास्क है और इसमें जो पॉइंट होंगे वो भी आपके बी, जी और आर की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें जो हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ये जो ग्रीन है वो यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जबकि ब्लू इधर है लेफ्ट, और यहाँ पर जो इस पे इंसिडेंट हो रही है गन, ये जो बीम है वो इसके लेफ्ट साइड में हो रही है, जबकि रेड जो है गन के आपके राइट साइड में है और बीम आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो ये होता है हमारा रिपल्शन की वजह से ये चीज़ें होती है और ये इस वजह से आपका आता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई इमेज आएगा तो ये अलग अलग वोल्टेज होगा जो कि आपका शेडो मास्क से पार होते हुए आपकी फॉस्फोरस की स्क्रीन पर आकर के इंसिडेंट होगा और जो भी करस्पोंडेंस कलर होगा वो हमारा बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने जाना। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यह है कि जो हमारा शेडो मास्क है बेसिकली ये इस तरीके से बना होता है कि हर एक
हर एक जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आकर के इस पर जो हमारी फॉस्फोरस की स्क्रीन है उस पर टकरा जाए। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। शेडो मास्क को हालांकि हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हर एक शेडो पॉइंट है वो इसके रेस्पेक्ट के जो ट्रायोड है उसके सामने आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो आपकी बहुत कम होती है, यानी कि ये 20% जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ही डायरेक्टली आपके कन्वर्ट हो पाती है। अब बेसिकली हम इसकी बात करें डॉटेड ट्रायोड की, तो इस पे लगभग आपके जो है 4 लाख आपके शेडो मास्क पे डॉट होते हैं। तो अब अगर हम फास्फोरस स्क्रीन पर हम कितने डॉटेड बनेंगे, तो 4 लाख × 3 यानी कि लगभग 12 लाख डॉट जो है आपके इस फास्फोरस की स्क्रीन पर होते हैं। तो ये हमने बात की इसके ड्रॉबैक के बारे में कि भाई इसकी एफिशिएंसी जो है कम होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ एक जो टेक्नोलॉजी है वो है आपकी प्रिसीजन इन लाइन। प्रिसीजन इन लाइन में भी हम वही दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम इसकी वर्किंग को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गन जो कि हमारी डेल्टा गन में जो थी उसमें आपके क्या है त्रिभुज नुमा संरचना में आपकी बनी हुई थी, जबकि इसमें लीनियरली आपके देखेंगे यहाँ पे पॉइंटर की सहायता से भी मैं दिखा पा रहा हूँ लीनियरली बनी हुई है, देखिए रेड ग्रीन और ब्लू। और इसके लिए जो मास्क यूज होगा यहाँ पर ये इसमें भी मास्क का यूज किया गया है, तो इसके लिए भी जो मास्क यूज होगा इसके लिए जो मास्क यूज होगा जो ग्रिल शेप में है ये आपका वर्टिकल मास्क होगा, बट इसमें भी रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका रिपल्सन होता है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लू है जो यहां पर आपके लेफ्ट में है बिम यहां पर जो इंसिडेंट हो रहा है आपकी फास्फोरस की स्क्रीन पर वो आपका राइट में हो रहा है, और यहां पर अगर ये आपका अगर इसको हम लेफ्ट कंसीडर राइट कंसीडर करते हैं तो ये यहां पर आपका लेफ्ट में जो है आपका इंसिडेंट हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन गन जो है आपके आरजीबी फॉर्म में है, तो हमारा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो बीजीआर की फॉर्म में आपको दिखेगा। तो बेसिकली इसकी विशेषताएं क्या है, तीनों गन इन लाइन में होने के कारण बीम और जो मास्क है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण बीम मास्क से नहीं टकराती है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा, स्क्रीन में आरजीबी लाइन में होने के कारण स्क्रीन का कोई भी भाग बीम से नहीं छूटता है, जिससे स्क्रीन का फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है कि तीनों ट्यूब इन लाइन होने के कारण इलेक्ट्रॉन गन को छोटा बनाया जाता है, जिससे इनकी पावर कम हो जाती है एवं फास्फोरस स्क्रीन पर ब्राइटनेस डेल्टा गन की तुलना में आपकी कम होती है। दूसरा, तीनों गन इन लाइन में होने के कारण बीम पास पास आ जाते हैं, जिससे रिपल्शन होता है। और इसको ओवरकम करने के लिए नीचे के ये डायग्राम में दिखाया गया है कि इसको ओवरकम करने के लिए मैग्नेट से इसको जो है आपका कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी प्रिसीजन इन लाइन ट्यूब की, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमा इफेक्ट, जो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बीम है आरजीबी लीनियरली है, तो लीनियरली बीम है बट फिर भी देखिए हमको पता है कि आर और बी तो आपकी डिफ्लेक्ट होगी बट जी जो है स्ट्रेट जानी चाहिए, वो आपके रिपल्शन की वजह से स्ट्रेट नहीं जाती है और उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। किसकी वजह से, आर और जी बीम की वजह से जो है आप आर और बी बीम की वजह से रेड और आपकी ब्लू बीम की वजह से रिपल्शन आ जाता है, तो इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो जाती है और इस इफेक्ट के कारण इमेज जो है डिस्टॉर्टेड मिलती है, इसको कहते हैं हमारा कॉमा इफेक्ट। अब बात करते हैं हमारी ट्रिनट्रॉन यानी कि कैथोड इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब की। तो इसमें क्या होगा कि ये सबसे इफेक्टिव है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका विकास जो है जापान की सोनी कंपनी के द्वारा किया गया। इसमें 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो कि डेल्टा गन और पीआईएल की अपेक्षा कर बहुत कम है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। वर्तमान युग में जो टेक्नोलॉजी है जो सीआरटी टेक्नोलॉजी है कैथोड रे ट्यूब की, जो हमारी टीवी है लेटेस्ट जो भी अभी तो एलईडी एलसीडी है चल रही है, बट जो लास्ट मॉडल आपका आया है वो आपके इस ही पिक्चर ट्यूब पे बेस्ड है। ट्रिन ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब जो हमारी कलर पिक्चर ट्यूब है इस पर ही बेस्ड है। इसमें शेडो मास्क के स्थान पर जो है क्या है आपका
एपर्चर ग्रिल का यूज किया जाता है। और इसमें भी क्या है, पीआईएल की भांति जो ट्रायड्स के स्थान पर वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। अब देखिए इसको यहां पर डायग्राम, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि देखिए यहां से आरजीबी अपनी तीनों इलेक्ट्रॉन गन है, तो ये हमारे यहां से ग्रिड से निकली, फोकसित हुई, यहां पर फोकसिंग है। देखिए रिपल्शन के कारण ये तो सीधी जा रही है, लेकिन ये जो रेड बीम है ये ऊपर चली गई। तो इसके आगे हमने क्या है, कन्वर्जेंस प्लेट आपकी लगा रखी है। तो ये क्या करेगी, देखिए यहां पर अगर मैं ऊपर वाली का नाम ए देता हूं, बीच वाली का नाम बी, फॉलोड बाय सी, और इसको डी बोलता हूं, ठीक है। तो हमारी जो बी और जो सी है, कन्वर्जेंस प्लेट में बी और सी प्लेट है, इसका पोटेंशियल हम सेम रखेंगे, ठीक है। और ए एंड डी और बी और सी से अपना डिफरेंस, तो बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो बीच की है इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से हमारी जो ग्रीन बीम है वो सीधी निकल जाएगी, जबकि ए एंड बी और सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण हमारी जो दोनों बीम है वो मुड़ जाएंगी। और इस तरीके से आपका जो है ये आपकी कैथोड्स इन लाइन ट्यूब में जो है आपका कन्वर्जेंस किया जाता है। फर्दर अपर्चर ग्रिल है जो कि इसको फोकस को आपका इंक्रीज करता है। तो ये यहां पर हमने इसकी वर्किंग को समझा है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके इस तरीके से है कि ये नई टेक्नोलॉजी है और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें लो वोल्टेज गन का रिक्वायर्ड होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, कंपेयर टू आपकी गन डेल्टा गन ट्यूब और पीआईएल की तुलना में। दूसरा, इसके शार्पर फोकस और अपर्चर मास्क जो आगे लगा हुआ है उसकी वजह से इसकी जो है ब्राइटनेस पिक्चर अच्छी आती है, और इसको कन्वर्जेंस करने के लिए हमें बहुत कम आवश्यकता होती है। थैंक यू।